उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खीरी, और मेरी बहुत खूबसूरत यादें हैं इस शहर से। अगर मैं लखीमपुर में हूँ तो संकटा देवी मंदिर जाना ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मेरी बचपन की सबसे खूबसूरत याद यहाँ से जुड़ी हुई है। मेरी दादी जब भी लखीमपुर आती थी मंदिर ज़रूर जाती थी, और मैं वेट करती थी उनके मंदिर जाने का, क्योंकि मुझे खोए वाले पेड़े खाने को मिलते थे। तो मैं जब भी यहाँ आती हूँ संकटा देवी मंदिर जरूर जाती हूँ। कहते हैं संकटा माँ की जो मूर्ति है, अभी तो वो पूरी चांदी से मढ़ी हुई है, मगर जो एक्चुअल मूर्ति है ना, वो कभी किसी ने बनाई नहीं, किसी ने स्थापित नहीं की, वो अपने आप यहाँ पे लोगों को मिली थी। इस वजह से भी इस मंदिर की बहुत मान्यता है यहाँ पे। मेरा अपना भी बहुत बिलीफ है इस मंदिर पे। अगर अपनी एक बात शेयर करूँ तो आप लोगों को बहुत बचकानी लगेगी, लेकिन चलो बताते हैं। मैं क्लास 9th में थी और अपनी फ्रेंड्स के साथ नवरात्रि में मंदिर गई, और मैंने बाहर अपनी सैंडल उतार दी और मैं अंदर जाके दर्शन करके वापस आई। और जब मैं वापस आई तो मेरी सैंडल गायब थी और मैं रोने लग गई, क्योंकि वो सैंडल बहुत महंगी थी और मैंने ना बड़ी ज़िद करके मम्मी से ली थी। मम्मी मुझे वो दिला नहीं रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, और वो फर्स्ट टाइम मैं पहन के ट्यूशन गई थी और वहाँ से मंदिर जाके और वो गायब हो गई। मैं वही मंदिर के चौखट पर बैठ के रोने लग गई, और मैं क्लास 9th में थी, बहुत छोटी भी नहीं थी, बहुत बड़ी भी नहीं थी। मैं रोती रही। उसके बाद मैं नंगे पैर घर वापस आई, घर पे आई, मम्मी को बताया, मम्मी बहुत नाराज़ हुई। फिर उसके बाद शाम को मम्मी के साथ मैं दोबारा मंदिर गई, और जब मैं मंदिर गई ना तो वहाँ पास में एक फूल बेचने वाला आदमी था, उसने मेरा हाथ एकदम से पकड़ लिया और मैं डर गई, क्या हुआ? तो उसने मुझे कहा कि वो जो चोर था वो वापस लेके आया ये सैंडल और तुमको ढूंढ रहा था, तब तक तुम चली गई थी। तो मैंने उसको बोला कि तुम यहाँ मेरी दुकान पे रख दो, और वो बच्ची जब भी आएगी मैं उसको ये सैंडल वापस कर दूँगा। उस दिन मुझे इतना बिलीफ हुआ है ना संकटा देवी माँ पे कि मैं क्या बताऊँ। बहुत बचकानी सी बात है, बच्चों वाली बात है, मगर वो सच में वो माँ किसी को रोता नहीं देख सकती। हाँ हाँ टीका लगाओ, थैंक यू, बोलो बोलो थैंक यू। कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। हाँ जाओ, गोदिया गोदिया गोदिया, हाँ करो 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 करो, फिर से करो। तो कौन सा टॉय चाहिए? There are so many toys. वीर के टॉय आ गए है ना, हम लोग संकटा देवी मंदिर भी होके आ गए, और यहाँ पे ये शुक्रिया, ओ वीर ने मुझे शुक्रिया भी बोल दिया, वेरी गुड। लखीमपुर में ई रिक्शा का काफी सीरियस सीन है। हाँ बेटू, यू फाइंड द जॉब? You found a George yet? I haven't yet. I haven't found a George yet. I will find. Where is the George? At home. It's not a home. चलो जी, हम आपको बता रहे थे यहाँ कि ई रिक्शा का काफी सीरियस सीन है यहाँ पे ना। अभी हम आ रहे थे और एक रिक्शा पे मुझे बैठना था, तो वहाँ दो लोग ऑलरेडी बैठे थे, और वो भाई साहब मुझे कहते ना आप आ जाओ, और वो देख रहे हैं कि मेरे पास बच्चा भी है, तो मतलब दो वो प्लस मैं डेढ़, ये सब बैठेंगे एक ही साइड पे, ऐसा खतरनाक सीन करते हैं। और भाई ऐसे नहीं करना है दिल्ली में। चलो ये चीज़ अच्छा है कि वहाँ पुलिस वाले रोक देते हैं, बेटर है।